हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग GKGS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। हिस्ट्री के बारे में जो हम स्टडी करते हैं तो किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं? तो ये तो आपको पता है ना, हम पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस वीडियो में टोटल आपके लिए 40 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। चलिए अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन। पहले ग्रीक हिस्टोरियन कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस जो थे ये पहले ग्रीक हिस्टोरियन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टाइटल द फादर ऑफ हिस्ट्री हैज़ गिवन टू होम। मतलब कि हिस्ट्री का जनक किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री? तो देखिए, अगर बात करें कि फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस को। और पहले ग्रीक हिस्टोरियन भी कौन थे? तो हेरोडोटस। PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। विच वेद गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड। कौन सा वेद जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द कल्चर एंड ओल्ड वैदिक पीरियड? तो ये जो है आपका सबसे पुराना वेद ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रबतक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ। बताइए रबतक इंस्क्रिप्शन का संबंध किससे है? तो देखिए, रबतक इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क से। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। बताइए प्लानिंग कमीशन जो है इसकी स्थापना कब हुई? यह सेटअप हुआ इन द ईयर ऑप्शन नंबर सी 1950। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ऑन द टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। भारत में जो पहला 5 ईयर प्लान था, पहली पंचवर्षीय योजना, तो उसमें टॉप प्रायोरिटी किसको दी गई थी बताइए? तो देखिए, उसमें जो टॉप प्रायोरिटी थी ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चर को दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। दूसरा पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या था, टाइम पीरियड? पंचवर्षीय योजना तो 5 साल का ही होता है ना, नाम से ही पता चलता है। तो देखिए, अगर बात करें ड्यूरेशन की तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 1956 to 61। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। बताइए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आपके कहाँ है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। अब बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में है। ठीक है ना, अहमदाबाद जो है शहर, ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका कौन सी नदी के किनारे बसा है, साबरमती, है ना। वाराणसी गंगा नदी के किनारे, न्यू दिल्ली आपका यमुना, और कलकत्ता किस नदी के किनारे, हुगली, HOGHLY। ठीक है, क्वेश्चन से आप रिलेट करते चलिए तो कुछ ना कुछ आपको याद रहेगा ऐसे में, है ना। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले, मतलब कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए, वारन हेस्टिंग जो था ये पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये बताइए? तो ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बताइए सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है इंडिया में? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, रिंगिट इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। बताइए रिंगिट जो है ये कौन से देश की करेंसी है, मुद्रा है? ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। रैंड इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। बताइए रैंड जो है ये कौन से देश की करेंसी है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका का।
द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, बताइए हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसकी जो है खोज वो किस वर्ष हुई, किस वर्ष इसको डिस्कवर किया गया। तो सारे अभी इजी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, धीरे धीरे जब 7-8 क्लास हो जाएंगी उसके बाद लेवल अप होगा। इसमें भी बहुत सारे लोग 30 भी स्कोर नहीं कर पा रहे भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस में भी। तो आप इसको थोड़ा रिवाइज करो, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी 1921। अगला क्वेश्चन, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विथ, इंडस वैली के जो लोग थे तो वो किसके साथ ट्रेड करते थे, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामियंस के साथ जो है ये ट्रेड करते थे इंडस वैली के लोग। एम्स्टरडेम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बताइए। जैसे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो उसी प्रकार से एम्स्टरडेम किस देश की कंट्री है, सॉरी किस देश की कैपिटल है। तो भैया एम्स्टरडेम जो है ये किसका कैपिटल है, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड का, ठीक है। जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जमशेदपुर जिसको स्टील सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, तो बताइए कौन सी नदी के किनारे बसा है जमशेदपुर शहर। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। चलिए, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, अहमदाबाद शहर मैंने आपको बताया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की गई थी, तो ये कहाँ था, अहमदाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। और अगर बात करें कि अहमदाबाद शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो ये भैया आपके ऑप्शन नंबर डी साबरमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। When was the first economic census conducted in India? भारत में पहला economic census जो है ये कब conduct किया गया। Right answer, option number B, in the year 1979, first economic census will be conducted in India. Next question, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व located in which state? बताइए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपके कौन से स्टेट में है। ये है आपके तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बक्सर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए बक्सर टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आपका नहीं है। देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी आपके कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ही है, मेलघाट नहीं है, सतपुरा टाइगर रिजर्व भी आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी मेलघाट जो है ये कहाँ है ये भी आपको याद रखना है, ये है आपका महाराष्ट्र, है ना। और ये बाकी तीनों सतपुरा, पन्ना और कान्हा, ये तीनों आप याद रखिएगा कहाँ है, एमपी में ही है तीनों। चलिए अगला ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनजाति से रिलेटेड। खारवर ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, खारवर जनजाति जो है ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं नॉर्मली। सो अगर बात करें खारवर ट्राइब की तो ये आपकी यूपी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द सांथाल ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, सांथाल जनजाति जो है ये तो भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, ऑप्शन नंबर ए झारखंड। विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया, बताइए डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है इंडिया का। तो देखिए अगर बात करें कि डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, यह है आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, ठीक है ना। आप मुझे बता सकते हो क्या इंडिया में डायमंड सिटी कौन से शहर को कहते हैं, बताइए कॉमेंट में, डायमंड सिटी किसको कहते हैं। विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन दी वर्ल्ड, बताइए यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है दुनिया का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया, अब बताइए नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा इंडियन स्टेट है। सो दिस स्टेट इज ऑप्शन नंबर ए असम। अगला क्वेश्चन, तुलबुल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तुलबुल बांध जो है ये कौन सी नदी में स्थित है, बताइए। तो ये कौन से नदी पे है, ऑप्शन नंबर बी झेलम में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन है कि तुलबुल डैम है कहाँ,
तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। और ये झेलम नदी के कौन से शहर के किनारे है, श्रीनगर जो है ये आपके झेलम नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पोंग डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए पोंग डैम जो है बांध ये कौन सी स्टेट में है। ये आपका हिमाचल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट, बताइए जीएसटी को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। इसको आपका ऑप्शन नंबर बी 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। वेन वॉज द गुड्स एंड सर्विस एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, किस वर्ष जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट मीन्स जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये आपका 1st of July 2017, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ, नेशनल यूथ डे हम 12th of January को सेलिब्रेट करते हैं, है ना, तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस किन के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है बताइए। तो इस दिन जो बर्थडे होता है ये ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के रूप में हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज फ्लश्ड इन अ बैग ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बताइए चिप्स का पैकेट आप देखते होंगे, चिप्स भाई कितना ज़्यादा एकदम भरा भरा लगता है, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो बहुत कम चिप्स रहता है, मूड ऑफ हो जाता है, तो उसमें जो है वो कौन सा गैस भरा जाता है जो एकदम फूला फूला लगता है, भरा भरा लगता है बताइए। तो उसमें भाई आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, धूप इज अ सीजनल गेम प्लेड इन, बताइए धूप जो है ये एक सीजनल गेम है, तो कौन से स्टेट का ये एक सीजनल गेम है। सो दिस इज द सीजनल गेम ऑफ ऑप्शन नंबर ए असम। इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, खिलाफत आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई। तो खिलाफत मूवमेंट की बात करें ना तो इसकी शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1920, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, बताइए गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। इन विच ईयर वॉज द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड, बताइए रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये किस वर्ष लॉन्च किया गया। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वाइड हो गया ना, 2995, तो आप इसको 1995 समझ लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1995 ही जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइम जो है ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और आप लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, ताकि मैं धीरे धीरे लेवल अप कर सकूं तो आपको भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। बिलगिरी रंगनाथ टेंपल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए लास्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी ये आपके कर्नाटक में है, ठीक है। तो वीडियो कहीं एंड करते हैं, और PDF से तो आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे अदर में बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस और न्यूज़ अपडेट मैं करते रहता हूँ। तो वीडियो कहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।